पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पिछले 55 साल की बात मैं आपको बताऊं कि पिछले 55 साल में 12 करोड़ गैस कनेक्शन हुए थे। अब भाजपा की सरकार को 55 महीने हुए हैं, अभी आए हुए 13 करोड़ कनेक्शन हो गए, तो ये विकास ही है। और अनेक ऐसे ऐसे उज्ज्वल योजना हुई और घर घर में बिजली पहुंच रही है। आज है ना, देश के हर कोने कोने में, हर छोटे छोटे गांव में, हर एक ऐसी जगह जहां पर बिजली के सालों से कांग्रेस की सरकार 55 साल दे रही, वहां 55 साल में बिजली नहीं पहुंची, इन 55 महीने में बिजली पहुंची। सवाल कांग्रेस से क्या कहें, 55 सालों में इतना काम नहीं हुआ? देखिए, जहां हमारे यहां सुई नहीं बनती थी, आज एटम बम भी बने हैं, हवाई जहाज भी बने हैं, सब बने हैं। जहाँ ये विकास, एक अभी मेरे भाई ने ये सवाल किया उज्ज्वला योजना का, उज्ज्वला योजना जितने भी कनेक्शन दिए हैं वो कनेक्शन गांव में जाके देखो, चूल्हे तो रख दिए हैं कोने में और रोटी बननी है चूल्हे पे, 950 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं। 950 ही जब नहीं होंगे किसी पे तो सिलेंडर कहाँ से लेगा? वो उज्ज्वला योजना भी फेल योजना है। कितना विकास हुआ? देखिए, विकास आप मुरादाबाद की सड़कों में जाकर देख लीजिए, गांवों के अंदर जाकर देख लीजिए, पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर जाकर देख लीजिए। 5 साल मोमबत्ती लेकर लोगों ने सांसद को ढूंढा है, कहाँ है हमारे सांसद? इसलिए कोई विकास का नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी हुई है और बातें हुई है, बस सिर्फ जुमलेबाजी और कुछ नहीं। जानना चाहेंगे क्या हुआ, क्या कितना विकास हुआ? कोई विकास नहीं है, विकास के नाम पे जीरो है भाजपा। मुरादाबाद के अंदर सड़कों पे चले जाओ तो गड्ढे हैं। 5 साल से जो पुल बनने आया, लोकल सड़क का पुल, उस पर 5 पिलर नहीं बन पाए इनसे, तो ये पुल क्या बनाएंगे? जबकि जो है ये समाजवादी गवर्नमेंट में ये पुल दिया गया था, पास हुआ था, और वो भाजपा ने 5 साल में 5 पिलर नहीं बना पाई। ये जो है पुल की बात हो रही है, पुल की बात हो रही है, क्या कहें, क्या क्या कहेंगे? जो हालात है वो आपके सामने हैं, और जिस तरीके से भाजपा के लोग कोरा झूठ बोल रहे हैं, उनका पतन होने वाला है। और मैं कहूँ, जो लोग कह रहे हैं विकास हुआ, विकास तो पैदा ही नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी में कितना विकास रहा था और क्या 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 किया? समाजवादी पार्टी में चाल पुल, मैं आपको बताता हूँ, प्रेम मंडल लैंड वाला, अकबानपुर वाला, और ये आप डबल फाटक वाला, और ये लोको सेट पुल वाला, ठीक है। इन हमारी सरकार में जो अब ये ओवरब्रिज बन रहा, उसमें 100 करोड़ रुपए इन्होंने, इनकी सरकार ने अलॉट करके अब तक ठेकेदार को नहीं दिए, इस वजह से रुका हुआ है। और विकास की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्राम आदर्श ग्राम योजना में 5 गांव गोद लेने होते थे, हर साल 1 गांव। जरा इनसे पूछ लीजिए कि सांसद जी ने कौन से गांव गोद लिए हैं, एक भी नाम नहीं। जब उन 5 गांवों का नहीं हुआ तो पूरे लोकसभा का कहना है। बड़ा सवाल, क्या कहें कि विकास कहीं कुछ है ही नहीं? विकास की बात करें, अगर ये महानगर की बात करें तो महानगर में तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन अगर जैसे आप, जैसे एक सेकंड मेरी, मैं बात पूरी कर लूँगा, जैसे आप अपनी बात कह रहे हैं कि 5 गांव गोद लेने थे, आपको पता है कि 5 गांव गोद लिए हैं या नहीं लिए? नहीं, हमें मालूम नहीं। आप स्थिति क्या है, स्थिति क्या है? ये है कि अब क्षेत्र में जाकर के देखें, लोकसभा में बड़ापुर में जाकर के देखें, ठाकुरद्वारा में जाकर के देखें, वहाँ की सड़कों को देखें कि हाँ उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। वहाँ की सड़कें, अब वहाँ की जनता आपको बताएगी, ये लोग नहीं बताएंगे, ये लोग तो सिर्फ विपक्ष में है तो बुराई करेंगे ही, जाहिर सी बात है कि बुराई करेंगे ही। कितना कितना सटीक, कितना सही बोल। देखिए, विकास क्या होता है, वो इनके मायने में तो ये होता है कि 5000 करोड़ का कार्यालय केंद्र का दिल्ली में बना लिया, 500 करोड़ के प्रदेश के 75 जिलों में बना लिया, इनकी नज़रों में ये विकास होता है। और हमारी नज़रों में, समाजवादी सरकार की नज़रों में विकास ये होता है कि एक हाईवे पर फाइटर प्लेन उतार दिया जाए, मेट्रो ट्रेन चलवा दी जाए, और बच्चों को लैपटॉप दे दिया जाए, पेंशन योजना में लाभ दे दिया जाए। ये हमारा विकास होता है, और इनका विकास होता है कि 5000 करोड़ का केंद्रीय कार्यालय। क्या बड़ा सवाल खड़ा हुआ होता है, क्या कि इनके मुंह से विकास की बातें इसलिए अच्छी नहीं लगती। हमारी बेटी, उसका कल एक वर्ग विशेष को दिया जाता है, झूठ, एक बिल्कुल झूठ, बोले दो बोले दो। एक वर्ग विशेष के SOCO की हत्या होती है जियाउल हक की, वहाँ पर कौन सा प्रतापगढ़ में, वहाँ पर सारे सरकारी नियम बदल कर 2 सरकारी नौकरी उसके घर में दे दी जाती है। बोले दो बोले, क्या 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 कहे, सवाल खड़ा कर रहा है। ये बुलंदशहर वाली घटना भूल गए, मुरादाबाद में 4 थानों में जैसे इनकी सरकार बनी, पागबड़ में पुलिस पीटी, डिलारी ठाकुर द्वारा में पुलिस पीटी, और मुंडा पांडे में पुलिस पीटी, मुंडा पांडे में इनके ही जिला अध्यक्ष सामने वीडियो को मारा। और आपको मैं बताता हूँ विकास की बात, माननीय चुन्नू साहब हैं कांड विधायक BJP के, उनके ही 9 किलोमीटर का उन्होंने अपना एक सड़क को पास करवाया, सांसद जी ने उसको हटवा के अपना वहाँ पे स्टिकर लगा दिया, वो चुन्नू साहब गए और अपना उनका स्टिकर छुड़ा के लिया है। तो उद्घाटन कर रहे हैं, मतलब एक सांसद एक अपना वो लगा रहा है विधायक, और इनका वो छुटा निकल है। आप जी, आप क्या कहें, क्या क्या कहेंगे?
अभी विकास की बात हो रही थी, विकास पांच गांव की बात हो रही थी। एक गांव है सैसपुरी, डिलारी ब्लॉक में, डिलारी से लगभग 2-3 किलोमीटर के पास में है। आप उस गांव में सांसद जी ने सबसे पहला गांव वो गोद लिया था सांसद बनने के बाद। अभी तक उस गांव में आम मतलब कोई भी आदमी, गांव का आदमी घुस नहीं सकता। घुटनों घुटनों गारा है उसमें, जो मेन रास्ता है, एक ही रास्ता है उस गांव का, उस गांव में घुस नहीं सकता। एक सांसद की खूबी क्या होनी चाहिए? देखिए, एक सांसद की खूबी ये होनी चाहिए कि मुरादाबाद लोकसभा में जितने भी सभी समाज सभी धर्मों के लोग हैं उनका विकास, शिक्षा व्यवस्था, व्यापार और नौकरी। मगर यहाँ के जो सांसद साहब हैं वो सिर्फ एक ही काम कर पाए कि वो दिल्ली में जाकर अपनी कोठी में रह पाए और यहाँ जमीनी स्तर पर कोई विकास नहीं कर। कितनी हकीकत है? थोड़ी हकीकत थोड़ा फसल। जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। मैं भी देख रहा था, माननीय सांसद जी कंपनी कर रहे थे तो जिनके साथ 50 गाड़ियों का लश्कर चलता है उनके साथ 20-25 लोग थे। और जो लोग विकास की बात कर रहे हैं वो चीख रहे हैं कि विकास विकास विकास, इससे पहले कहते मोदी मोदी मोदी, लेकिन राफेल के मुद्दे पर ये पूरी पार्टी शांत है। और वो उस ऐसी जगह से जहाँ सेक्रेट फाइल चोरी होती है, जो चौकीदार था उसकी चौकीदारी में फाइल चोरी हुई तो जवाब देना पड़ेगा। चौकीदार चोर, मतलब एक सवाल खड़ा गया, क्या कहे क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो मोदी सरकार, हर हर मोदी घर घर मोदी, मेरी बात पूरी सुन ली जाए, सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि हर हर मोदी घर घर मोदी। हमको भी लगा था कि अब कुछ नया होगा, लेकिन हमें आज चार साल की सरकार में हमें महसूस हो गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ जुमले वाली सरकार है। और दूसरी बात, जो माँ बाप अपने बच्चों को तन और मन से, तन मन धन से अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों के लिए लुटा देते हैं, उनके लिए मोदी जी, बड़ी सोच की बड़ी शर्म की बात है कि उनको मोदी जी स्वयं ये कह देते हैं, अरे क्या हुआ पकौड़े तलो, क्या इसका मतलब कहने का ये है कि विकास होगा? दूसरी बात, उन्होंने कहा था गरीबों लोगों के लिए, पूरे भारत के लिए, कि आप जो है खाते खोलो 15 लाख रुपए आएंगे, 15 पैसे नहीं आए। उसके बाद कहा था गंगा साफ होगी, नहीं हुई। सिर्फ इनके पास जुमले वाली बात है और सिर्फ जुमला ठोकते हैं और दुनिया को इतना सजा करके बात कहते हैं कि जरूर कोई ना कोई विकास होगा। और मैं ये इस बात नहीं बोल रहा हूँ, कौन आने वाला विधायक, अगले वाला सांसद, आने वाला सांसद जो है वो माननीय जो होंगे डॉक्टर ST हसन साहब होंगे, ये मेरी सोच है। क्योंकि जनता चाहती है, भाजपा सवाल उठा रही है कि गठबंधन कर लिया। देखिए, भाजपा ने तो 37 पार्टियों से गठबंधन करा, हमने तो 55 से करा, हमारा दो का गठबंधन, ये डर रहे हैं दो के गठबंधन से और 37। और दूसरी बात, ये विकास की। अच्छा, अखिलेश यादव, एक मिनट, अभी वापस आऊंगा। अखिलेश मुलायम सिंह यादव ने एक बड़ा बयान दिया था और समाजवादी पार्टी को लेकर ही बयान दिया, क्या कौन सवाल है, बयान की बात कर रहे हैं? सवाल जो नहीं, हाँ, मोदी को उन्होंने सीधे तौर पर कहा। देखिए, मेरी बात पूरी सवाल को सुन लीजिए, आप जवाब आपका भी दूंगा मैं और मैं अपना भी सवाल करूंगा। जो इन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, तो इसमें हुआ ये है कि जो बीजेपी के कद्दावर नेता और जो उनके कारोबारी लोग हैं उनका तो विकास हुआ है, बाकी सबका विनाश हुआ है। ये इसके अंदर मैं बताऊंगा। आपको पता होना चाहिए ना काला धन आया, और जो इन्होंने वायदे, बहरहाल एक जुमला बड़ा ख़राब है मेरा, चाहे आप उसको पसंद फरमाएं ना फरमाएं, कि जो लोग शोर मचा रहे हैं कि मोदी चोर है, मैं ये जानता हूँ कि मोदी चोरी नहीं है, मोदी गिरे कट भी हैं। मोदी ने हर गरीब और दरमियानी आदमी की जेब काट ली है, उसको बर्बाद करके फेंक दिया मोदी। कैसा कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार बढ़िया होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब खुश रहने चाहिए, यहाँ पर एक दूसरे की इज्जत करे, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करे, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से रहने की इजाज़त दी जाए, ना कि धर्म की लड़ाई के अंदर आप तमाम हिंदुस्तान के रहने वाली आवाम को बांट के रख दे रहे हैं, क्या होगा आखिर इस देश का हमारा? लिहाजा मेरा कहना यह है कि आपके हर हाल में प्रधानमंत्री को बदलना चाहिए। अब ये प्रधानमंत्री इस हिंदुस्तान को बर्दाश्त नहीं है।